रहे हैं ऐसी घूमने? हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग कपड़ा शॉपिंग करने। नहीं शॉपिंग नहीं करने जा रहे, कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग? बीच पे गोराई बीच घूमने। हाँ है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं गोराई बीच। तो अभी मैंने कहा चलो रास्ते का भी थोड़ा व्यू आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये सब जो आप वाइट वाइट दिख रहे हो ना, ये सारा नमक है। यहाँ पे नमक पैदा किया जाता है, फिर उसके बाद फैक्ट्री में ले जाके उसको प्योरीफाई करके हम लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो अभी इस तरीके से स्टार्टिंग में ऐसे नमक रहता है। आपको मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा था, वाइट वाइट ऐसे छोटे छोटे टीले बना बना के रखे हुए थे। ये देखिए ये पूरा आपको जो भी वाइट दिख रहा है सब नमक है। और हम लोग थोड़ा सा ही आगे आए थे तो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो ये है यहाँ का लॉ इंस्टीट्यूट। यहाँ पे शायद जो जूनियर जजेस होते हैं वो अपना मतलब अपने प्रैक्टिस करने आते हैं या फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये है वो लॉ कॉलेज इंस्टीट्यूट सॉरी। और ये हम लोग अभी सनसेट के टाइम आए थे तो सन बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो आप लोग को भी थोड़ा दिखा देती हूँ। और ये है यहाँ पे एक दो विला थे और कुछ ऐसे रिसॉर्ट जैसे थे, ये सभी रास्ते में पड़े थे। और अभी हम लोग गोराई बीच पहुँच गए। तो देखिए अब कितनी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। वैसे सैटरडे संडे के हिसाब से तो कम ही थी, लेकिन हम लोग क्योंकि शायद मतलब वर्किंग डे पे गए थे, वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। और अभी सनसेट हो रहा था, ये सबसे अच्छा टाइम होता है यहाँ के लिए। और बीच बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हम लोग को। मैं आगे की सारी वीडियोज़ में आप लोग को दिखाऊँगी। तो देखिए अभी सनसेट होने जा रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कार पार्क की थोड़ा साफ़ सुथरी अच्छी खाली जगह देख के। उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो घूम फिर के उसके बाद हम लोग बोटिंग और हॉर्स राइडिंग जो भी करना है वो सब हम लोग करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग भी। और आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इधर सारे कोकोनट ट्री थे, ये आप जो देख रहे हो ये सारे कोकोनट ट्रीज हैं साइड साइड में। और इधर छोटे मोटे स्टॉल्स लगे थे खाने पीने के, ज़्यादातर तो अंडा ही मिल रहा था हर स्टॉल पे, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ मतलब वेफर भुट्टे ये सब मिल जाते हैं इधर। और आपको अगर कुछ नाश्ता करना है तो वो फिर आप अंदर रेस्टोरेंट से वहाँ जाके कर सकते हो। इधर ऋषि मस्ती कर रही हैं, उनको नहाना था पानी में। और यहाँ पे भैया हॉर्स राइडिंग के लिए तैयार है। मैंने परम को कितना बोला वो, पर उसे शायद डर लग रहा था या जो भी था, तो ऋषि ने कहा मैं करूँगी, मैंने कहा ठीक है तुम दोनों कर लो फिर। तो वो लोग अभी जा रहे हैं चक्कर मार के आते हैं, तब तक हम लोग कुछ सामान लेना, सामान तो नहीं जैसे हाँ यहाँ छोटे मोटे बच्चों के खिलौने थे तो शायद बबल वबल और कुछ था, ईशी ने अपने लिए लिया था यहाँ से। मैंने परम को बोला ले लो, लेकिन परम कह रहा है नहीं नहीं मैं ये सब थोड़ी खेलूँगा बच्चों की चीज़। हम लोग तब तक बीच पे घूम रहे थे, भैया भी अपना घूम फिर के आ गए। इसी को बहुत मज़ा आया, पर उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था नहाने में, पर वो अपना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं ले गई थी इसलिए बस वो नहीं नहा सकती थी। फिर भी लास्ट में आते आते वो खूब नहा ही ली। हम लोग बोले अब घर चल रहे हैं तो चलो नहा ही लो तुम। और देखिए यहाँ पर हम तीनों मस्ती कर रहे हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा आगे तक चलते हैं हम लोग भी। फिर अभी हम लोग जाएंगे बोटिंग करने, तो वो बोटिंग में लाइन थी काफ़ी लंबी, इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला चलो तब तक हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, ऐसे भुट्टा वुट्टा खाया हम लोगों ने, लेकिन फिर नंबर भी आ गया हम लोग का वोटिंग का। फिर यहाँ पे हम लोग आए और लाइव जैकेट वो लोग देते हैं तो सबको लाइव जैकेट दिया पहनने के लिए। और यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे जाने के लिए, फिर भी हम लोग का 15-20 मिनट बाद ही नंबर आया, पर बहुत मज़ा आया। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी अगर जो भी यहाँ गोराई बीच आए वो ज़रूर बोटिंग करें, क्योंकि उन लोग के बोट चलाने का जो तरीका होता है इतना एडवेंचरस होता है, इतना मज़ा आता है बोट, वो एकदम जैसे झूले जैसा लगता है। हम लोगों ने तो एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरी देवर देवरानी क्या पोज दे रहे हैं। मैंने उन लोग का स्लो मोशन में एक वीडियो बनाया, मैंने कहा आप लोग का, मैंने अपना भी बनाया पर मेरा कहीं तो मिस हो गया इसलिए नहीं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाई, भैया का मैंने बनाया। और यहाँ पे हम लोग वही वेट कर रहे थे कि ये ट्रिप जो गया था वो लोग एक साथ शायद 6 या 7 लोग को ही बिठा रहे थे, ज़्यादा लोग को नहीं बिठा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग आके बैठे थे वही बोट में, फिर भैया ने मेरा थोड़ा सा वीडियो बनाया
मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं भी क्लिप्स ले रही थी लेकिन इतना पानी फोर्स से आ रहा था कि पूरा मोबाइल भीग जा रहा था। फिर हम लोगों ने मोबाइल को बैग में रख दिया, इसलिए ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाए, पर छोटा छोटा जो भी लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर हाँ, बहुत बहुत मज़ा आया। मैं तो फर्स्ट टाइम, मैं इतनी बार गुराई गई हूँ, 2-3 बार, लेकिन मैंने कभी बोटिंग नहीं की। फर्स्ट टाइम मैंने किया और मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैं भी आप लोग को बोलना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर करना। और हम लोग को वो वाटर मोटर चलती है ना, वाटर बाइक, उस पर भी बहुत मन था कि हम लोग बैठें, लेकिन वो अंधेरा होने लगा था तो वो लोग नहीं बिठा रहे थे फिर, क्योंकि अंधेरे में वो लोग शायद नहीं बिठाते और हम लोग लेट गए थे। तो हम लोग इस पर ही बैठे, पर इस पर भी बहुत मज़ा आया। तो देखिए, आप लोग भी इंजॉय करिए हम लोग के साथ। तो हम लोग बोटिंग करके वापस आ गए हैं। अब हम लोग का घर जाने का टाइम हो गया क्योंकि शाम हो रही थी, अंधेरा होते जा रहा था। फिर वो लोग, फिर कुछ भी नहीं था अंधेरे में। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।